मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशीर पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं हमारे जो मुमरा कौसा के एक अयाज हसन साहब, जो बहुत सीनियर लीडर है मुमरा कौसा के अंदर, आज हमारे यहाँ पर आए हैं। अयाज भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल के ऊपर। शुक्रिया, मैं भी बहुत मशहूर मंगू हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने का और आपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अयाज भाई, कुछ सवाल है आपसे कि आज मुमरा कौसा के अंदर आप इतने सालों से आप कुछ ना कुछ एक अलग करने की कोशिश करते हो। जैसे कि मुमरा कौसा की जो स्टेशन के ऊपर जो दुकानें गरीब मजलूम के ऊपर जो चल गई थी, दुकानें तोड़ के दिया गया था उसको विकास के नाम पे, फिर भी आपने लड़ के झगड़ के और उनका हक आपने दिलाया, लेकिन आप कभी चर्चे में नहीं आते। देखिए, चर्चे के लिए काम करना जरूरी है और काम हम करते हैं। अब चर्चा आम इंसान में और आम पब्लिक में हमारा घर घर है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों तक, महिलाओं तक, हर किसी को पता है कि मुमरा कौसा में काम किसने किया और कब कब किया, किस किस विषय पर किया। जैसे कि आपने दुकानों के विषय की बात किया है कि 108 दुकान हमारे गरीब बेसहारा लोगों को रेलवे ने और कॉरपोरेशन ने संयुक्त कार्रवाई में उनको बेरोजगार कर दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। उस वक्त हमने हाईकोर्ट से दाद मांगी और उसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर हाईकोर्ट से हमने वो मुकदमा जीता। उसके बाद उस मुकदमे को कॉरपोरेशन और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी अल्लाह ने हमको कामयाबी की तरफ बढ़ाया और उसमें भी हम कामयाब हुए और माशाल्लाह से कॉरपोरेशन ने उसके बाद हमको सहयोग किया। नगर पालिका के सहयोग से हमने फिर अपने बिल्डिंग पर जितने भी हमारे दुकानदार थे उनको 58 दुकान हमने एवं वैली में बनाई और अभी स्टेशन के पास 18 दुकान बन चुकी है और आगे और बनेगा। इसमें 108 दुकानों को हम समावेश करेंगे और लोगों को हमने न्याय देने की कोशिश की। लोगों का घर में चूल्हा जलाने की जो नौबत ख़त्म हो गई थी, अब वो चूल्हा जल रहा है, माशाल्लाह से सब खुशहाल है। ये इस तरह के बहुत सारे अनेक काम किए हैं, शायद आप जानते होंगे, मुमरा कौसा का बच्चा जानता है कि मेरा काम क्या क्या है। इसमें एक चीज और है भाई कि आपने इतनी मेहनत करी है और हर चीज, लेकिन फिर भी इसका जो शय है, इसका जो मेहनत का एक जो क्रेडिट होता है उसको कोई और लेता है, करते आप जैसे लोग हैं, लेकिन इसका क्रेडिट दूसरे क्यों लेते हैं? देखिए, मैं काम करके बैनर या पोस्टर लगाने वाला इंसान नहीं, मैं काम लोगों के लिए करता हूँ, आम जनता के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं इस सरजमीन मुमरा में पैदा हुआ हूँ और एक अरसे से मेरा परिवार इस मुमरा की सरजमीन में रहता है। हम लोग कभी भी श्रेय लेने के लिए या बैनर बाजी करने के लिए या बुक छपा कर अपने काम दिखाने के लिए कभी हमने नहीं, हमने काम जो किया है वो लोगों की, हमको शौक है काम करने का, इसलिए हमने शौक के तौर पर लोगों का काम किया और हम अपना फर्ज समझते हैं लोगों का काम करने और ये हमने किया और अनगिनत काम किया है जिसको गिनाया नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे तो हम गिनाएंगे, वरना हम गिनाएंगे भी नहीं कि हमने काम किया। नहीं अयाज भाई, सही बात है, आप नहीं गिनाएंगे, आपका एक रोल बहुत बड़ा, आप अगर नहीं भी गिनाते हो तो भी आप जो बस आज मुमरा कौसा में शील पाटा भारत के जो चल रही है उसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपने उस चीज को सफल किया है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बसेस जो है हमने चालू की है, जो बुक छप के आई है उसके अंदर ये चीजें सब कही गई है, तो ये कहां तक सच्चाई है? देखिए, मुमरा कौसा का बच्चा जानता है और जितने राजनीतिज्ञ है वो सब जानते हैं कि बसेस के रूट पर जितनी बसेस चली है, जितने रूट अयाज हसन ने मंजूर किए वो आज तक कामयाब है और चल रहे हैं। और जिस टाइम पर मैं परिवहन सदस्य बना थाने महानगर पालिका में, उसके बाद से उमरा में जितनी मैंने बसेस की, पुरानी बसेस सब हटाकर सारी नई बसेस यहाँ पर डाली, उसके बाद मैंने जो रूट चालू किया है वो उमरा वाशी सबसे पहले, उस वक्त गणेश नाइक जी साहब पालक मंत्री थे और मैं भूख हड़ताल में बैठा था अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ थाने महानगर पालिका में, तो नाइक साहब ने अपने तरफ से मुंबई नवी मुंबई महानगर पालिका से कहा कि मैं अयाज हसन बैठा है भूख हड़ताल में तो मैं दूसरे दिन बस शुरू करूंगा। और उसके बाद उन्होंने उद्घाटन किया यहाँ पर, नवी मुंबई बस सेवा आज तक चल रही है, आप देखें। उसके बाद हमने मीरा भाईंदर, मेरे रहते ही थाने महानगर पालिका की तरफ से मैंने मीरा भाईंदर की बस
स्टार्ट किया। उसके बाद उमरा में जब मैं देखता था रिक्शियों की इतनी किल्लत होती थी, स्टेशन के पास लोग पैदल चल के कौसा तक जाते थे, मुझे बड़ा अफसोस होता। तो उसके बाद मैंने पुरजोर तरीके से बात उठाई थाने महानगर पालिका में कि ये बसेस चालू होनी चाहिए, अगर कम से कम ये थाने महानगर पालिका की भारत गेट तक बस के या तो फिर शिलपाटा तक अगर बस शुरू होती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कौसा में जाने वाले जो लोग हैं वो इस पर सवार हो सकते हैं, कम से कम उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और उस बात पर मैंने अपनी तरीके से मजबूती से पैरवी की और मुमरा कल्याण फाटा बस वो भी मैंने बनाना शुरू किया। उसके बाद खिड़काली तक जो बस थी उसको लोडा हेवन तक बस ले जाने का श्रेय भी मुझे ही जाता है। तो मैंने इतने सारे रूट्स पर काम किया, सेमी लो फ्लोर बसें भी लाने वाला मैं ही हूँ इस मुमरा कौसा। और आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ, मुमरा में राष्ट्रीय कार्यालय नहीं था। लोग आजकल ये श्रेय लेते हैं राष्ट्रीय, जब एक बार मैं थाने महानगर पालिका थाने कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा, जब वहां पर लाइन देखा मैंने कि देखा बुरके वाली बिचारी पसीने में तर बतर लाइन लगा कर खड़ी हुई है, तो मैं बोला यार इतनी परेशानियों से ये राशन कार्ड निकाल रही है मुमरा कौसा के लोगों को, थाना आना पड़ रहा है। मैंने पुरजोर तरीके से बात उठाई। उस टाइम पर नाइक साहब ने, सुनील तटकरे साहब उस टाइम पर रेस्टिंग मिनिस्टर थे, और नाइक साहब की बैठक में वो निर्णय मंजूर हुआ, मुमरा में जो रेस्टिंग कार्यालय वो भी मेरे ही देने मैंने ही लाया। चलो ये बड़ी अच्छी बात है। अब एक मुद्दा और है जो आज के तारीख में बहुत बड़ा है कि आपने इतना काम किया है, आज आप सब लोगों के सामने ये चीज आज लेके आए हो और लोगों को ये पता भी चलेगा, आपने नाम लिया भी गणेश नाइक साहब। फिलहाल आप जो है एनसीपी के बहुत पुराने और बहुत सीनियर एक लीडरों में से भी कहा जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आज के नगर सेवक की भी उतनी मेहनत नहीं है। आप सवाल ये उठता है कि आज गणेश नाइक साहब बीजेपी में चले गए और एनसीपी जो है जितेंद्र अवार्ड अभी है एनसीपी के अंदर, अभी चुनाव आया है, ये चुनाव के दौरान जो है, क्योंकि आपके साथ जो है एक बहुत बड़ी जो है एक आवाम जुड़ी हुई है बहुत बड़ी संख्या में, आपकी जमात के भी लोग कुछ जुड़े हुए हैं और लोग भी आपको चाहते हैं, तो अब आप ये किसका साथ इस वक्त देने वाले हो इलेक्शन के दौरान, किसकी तरफ से, गणेश नाइक साहब की तरफ से कि आज एनसीपी की तरफ से, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एनसीपी में भी थे तो गणेश नाइक जी के समर्थक थे, गणेश नाइक जी के साथ ही हम लोग चले शुरू से लेकर आज तक, आज तक आगे भी उन्हीं के साथ चलेंगे। और रही बात काम की, तो काम के साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता है, सबसे सारे कार्यकर्ता हर वर्ग के, हर जमात के, हर समाज के, हिंदू मुस्लिम सिख भी हैं हमारे साथ, इवन मुसलमानों में शिया सुन्नी देवबंदी हनफी शाफी हम्बली देवबंदी सारे लोग हैं हमारे साथ। तो उसमें कैसा है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की बात भी हमें सुनना पड़ेगा, उनसे मशवरा भी होगा इसके अंदर कि अब करना क्या है, किस और जाना है। जाना के का मूवमेंट तो तय हो चुका है गणेश नाइक साहब के साथ जाना, लेकिन अभी फिलहाल हमने ना कोई पार्टी के पक्ष को ज्वाइन नहीं किया, हम सिर्फ गणेश नाइक साहब के साथ। अब मूवमेंट आगे का क्या होगा ये हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दो तीन दिन में मशवरा करके फाइनल स्टेज पे जाएंगे। और ऐसा तो एक सवाल और है मुमरा कौसा के आवाम के लिए, और बहुत बड़ा सवाल है ये कि आज 10 साल तक जितेंद्र अवार्ड आज मुमरा कौसा में राज किए हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ माहौल जो दिख रहा है आज इलेक्शन का या ऐसा ही कुछ दिख रहा है, मुमरा कौसा के अंदर इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, क्योंकि कोई ऐसा एक मुसलमान वाहिद नहीं है कि ये लोगों की जिम्मेदारियां या अपनों की दर्द को समझने वाला कोई ऐसा अपनी जिम्मेदारी उठाए। देखिए जिम्मेदार लोगों को कैंडिडेट बनाया ही नहीं गया, पहली बात ये बदकिस्मती है मुमरा कौसा के लोगों की, या हो सकता है लीडरशिप की भी कमी है। कुछ जो अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश करते हैं मुमरा कौसा, वो लीडर दरअसल है ही नहीं। कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप जनता के नुमाइंदे हो, सिर्फ अपने आप लीडर अपने आप को डिक्लेयर कर दे तो उसको लीडरशिप नहीं कहते। तो मुमरा कौसा में जो है ना मामला ये है कि लीडरशिप दिखाई तो देती है लेकिन अंदर लीडरशिप नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं आया, तो एक सवाल है कि आप जैसे लोग आज इतना मेहनत कर रहे हो और आप अपने हो, तो आज दूसरे लोग आके हमारे सर पे बैठ के तांडे कर रहे हैं। आप जैसे कि जानते हो कि आज नशे का कारोबार खुले आम हर गली में आप चले जाओ, हर
बिल्डिंग के नीचे चले जाओ, रात को 12 बजे के बाद में 10-15 चर्सी, 10-15 ड्रग्स वाले बैठे ही रहते हैं। आज ऐसा कोई शख्सियत नहीं है कि उसे कोई बंद कर सके। मुमरा कौसा के अंदर इतने मुसलमानों में, आज सैयद अली भी आज इतने साल जो है रहे, इतने सीनियर लीडरों में से है, नईम खान साहब भी है, लेकिन आज कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो अपने बच्चों के लिए जो है हक में ऐसे सामने खुल के आ सके। देखिए, उसके लिए गट्स होना चाहिए। मैंने पिछले एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था नशे के ताल्लुक से, तो उमरा कौसा में जो नशे का कारोबार है वो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को खत्म कर देगा, और ये उमरा कौसा का सबसे बड़ा नुकसान है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको फैलाने का काम जो है वो कुछ लोगों की शय पर हो रहा है, और पुलिस बेचारी अच्छा काम कर रही है उमरा कौसा में, कोशिश करती है। लेकिन जब क्या होता है, कुछ राजनीतिक जो लोगों का उसमें साथ होता है ऐसे चीज़ों में, तो पुलिस को कहीं ना कहीं उसमें कार्रवाई में कमी लानी पड़ती है, या हो सकता है उनका प्रेशर हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुमरा पुलिस स्टेशन इस मामले में सक्षम है, वो करेगी आगे कार्रवाई। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब को भी होने वाली है कुछ ही दिनों में, इलेक्शन चुनाव का मामला है इसीलिए हमने चुनाव के लिए उसको रोका हुआ है, कल कहेंगे चुनाव का इशू है इसीलिए ये इशू उठा रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से ACP साहब और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, ये सबको हम गुजारिश करने वाले हैं कि उस पर कोई एक हल निकाला जाए। मुमरा कौशल में जो छुपे छुपे जो MD और चरस का बिजनेस हो रहा है, उससे बहुत बच्चों का नुकसान है और आने वाले वक्त में हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन की बात अगर करूं तो पुलिस स्टेशन पीने वाले लोग को बराबर जो है पुलिस स्टेशन में जो पीते हैं कहीं बैठ के उनको ले जाके पुलिस स्टेशन में बंद करती है, लेकिन ये जो बेचने वाले लोग हैं ये कहां गायब रहते, आखिर पुलिस कहां थी, इनसे इतना दूर क्यों है? देखिए, बेचने वालों को तो मैंने ये कहा ना आपको, बेचने वालों को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ साठगांठ, इस वजह से तो हो रहा है मामला। पीने वाले जो है वो बेचारे गरीब तबका है, कॉलेज के बच्चे, और वो उनके पास कुछ पीने की मात्रा ही बरामद होती है, तो जितने जो बेचने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। मेरा भरोसा है कि मुमरा पुलिस स्टेशन इस पर एक सख्त कार्रवाई करेगी। इससे पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, मैं समझता हूँ कि पासनकर साहब ने अच्छी उस पर वो किया था, और अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गढ़ साहब हैं मधुकर गढ़ साहब, ये इस मामले में अच्छा कदम उठाएंगे आने वाले वक्त। हयात भाई, एक आखिरी सवाल आपसे एक और है, आप NCP से जुड़े हुए हो और बहुत पुराने हो, आज मुमरा कौसा के अंदर स्टेडियम बना, हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल जो 3 फ्लोर का था वो जो बन के हो गया है तैयार, 1 फ्लोर 2 फ्लोर वो आप जानते हो। आज मुमरा कौसा का विकास का इतना डंका पीटा जा रहा है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन में इतना भी डंका नहीं पीटा जा रहा है, लेकिन आज यहाँ म्यूनसिपालिटी एक स्कूल भी बनी है और बिजली कार्यालय भी इतना बड़ा है, लेकिन आज मुमरा कौसा के लिए आवाम के लिए उनको कितनी नौकरी आज इन चीजों के अंदर है, कितने लोग बाहर से आते हैं, क्यों मुमरा कौसा के अंदर जो आवाम है क्या वो पढ़े लिखे नहीं है कि ये नौकरी कर नहीं सकते हैं, उनको क्यों नहीं आगे इस चीज के लिए बढ़ाया जाता है? देखिए, मुमरा कौसा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उस मुद्दे पर कभी किसी ने बोला नहीं। आपने ये इशू लिया, बहुत अकलबंदी का काम किया आपने, क्योंकि ऐसी इशू हमारे यहाँ के पत्रकार बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर खोखले बैनरबाजी मुमरा कौसा की, इसको लोग समझते हैं कि उस बैनरबाजी से विकास का चरण हो जाता है, ऐसा नहीं। तो विकास करने के लिए जमीनी हकीकत, जमीन पर जाना बहुत ज़रूरी है और काम करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को काम चाहिए। लेकिन मैंने पिछले एक चैनल में भी कहा था कि हमारी जनता बहुत भोली भाली है मुमरा कौसा की, और भोली भाली जनता जो है ना भाषण में नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है आने वाले वक्त में कि बेरोजगारी का मुद्दा हल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू है आज मुमरा कौसा ने एक साजिश के तहत बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। आने वाले वक्त में नौकरी करने वाले लोग न रहे, बेरोजगार रहे, हमारे नीचे दबे रहे, हमारे मजदूर बने रहे, 200-300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया मिलकर ये रैली में झंडे लेके चल सके, ये मेंटेलिटी बनाई जा रही है। उस मेंटेलिटी के तहत हमारे लड़के हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये पहल निचले स्तर से होनी चाहिए, हर नगर सेवक को करना चाहिए, इवन ये हमारे आमदार को भी करना चाहिए, खासदार को भी करना चाहिए। सबसे बड़ा मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है, इवन मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, सारे
हिंदू है, हमारे गरीब भाई है, सबका ये मसला है उमरा कौसा के अंदर कि वो बेरोजगारी के शिकार है। बेचारे रोड पर अपनी रेकड़ी लगा रहे हैं, ये नौबत आ गई, पान की दुकान चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शे में भी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। रोड पर बैठ रहे हैं तो हॉकर्स को करना ठीक है, वो भी गलत है, रोड पर धंधा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर इंसान करेगा नहीं। रोड पे धंधा क्यों, रोड पे धंधा यार क्यों नहीं करना चाहिए? आज थाना के अंदर, आज देखो त्योहार चालू है, दशहरा चालू है, थाना के अंदर पूरा कोर्ट नाके से लेके स्टेशन तक पूरा रोड के ऊपर ही बाजार आज चल रही है, बड़ी बड़ी दुकानें लगी है। तो मुमरा कौसा के लिए आज वो रोड भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो भी आधे अधूरे में, उसको भी विकास ही कहा जा रहा है। ये क्या सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है चीज। देखिए टैक्सेशन के हिसाब से हमारा हक है, जहाँ भी रोड बन रहा है, अगर गली में बन रहा है, गली में नाला बन रहा है, पाइवट बन रही है, कहीं झोपड़पट्टी में शौचालय बन रहा है, तो ये कोई ऐसा नहीं। सबसे पहले तो हम टैक्स पेयर हैं, हम थाने महानगर पालिका को पैसा दे रहे हैं, टैक्सेशन का पैसा दे रहे हैं, और थाने महानगर पालिका ने बखूबी काम किया है। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ थाने महानगर पालिका का कि उन्होंने गली गली यहाँ पर रोड बनाया। अब उसका श्रेय अलग बात है कि कोई और ले, लेकिन वो थाने महानगर पालिका ने काम किया है और उनके फंड से आ रहा है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। जितना हमारा फंड यहाँ से उमरा से थाने महानगर पालिका में जाता है, उतने फंड का उपयोग हमारे उमरा कौसा में नहीं होता। लेकिन ये थाना महानगर पालिका अगर कर रही है फंड से, तो हमारे आमदार साहब, हमारे जितेंद्र आवाज साहब तो कहते हैं विकास हमने किया है, तो उन्होंने अपने नीति से विकास क्या किया है? नहीं, आप भी जिम्मेदार हो, आप उस चीज के जिम्मेदार हो, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हम किसी पार्टी से इस वक्त नहीं जुड़े। सबसे पहले हम गणेश का एक समर्थक थे, गणेश का एक साथ के साथ जुड़े हैं, लेकिन हाँ रही बात कुछ पर्सनल सवाल अगर किसी के इशू पर है तो आप उनसे पूछिए। अब रही बात, आप ये कह रहे हैं कि क्या इशू किया था, अपने निधि से क्यों नहीं उन्होंने विकास किया, अपने निधि से क्या किया? निधि की बात जहाँ तक है, थाने महानगर पालिका में सारी उसकी एंट्री है, इसकी निधि कितनी यहाँ पर आई है और उस निधि का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, ये मैं समझता हूँ कि हमारे पत्रकार भाइयों ने आरटीआई के तहत बहुत कुछ निकाला है कि कहाँ पर किसकी निधि का उपयोग हुआ है, खासदार ने कितना पैसा दिया, आमदार ने कितना पैसा दिया, थाने महानगर पालिका। देखिए यहाँ पर नगर सेवकों की कमजोरी है, तो वो अपना काम नहीं गिना पाते तो क्या? नहीं, नगर सेवक जो काम कर रहे हैं वो भी तो हमारे एमएलए साहब अपना क्रेडिट लेते हैं, तो नगर सेवक क्यों खामोश है? नहीं, नगर सेवक क्यों खामोश है, क्योंकि किसी ने चुने हुए उनके नगर सेवक है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, और भी पार्टियों के भी तो नगर सेवक है यहाँ पर, और एनसीपी के भी नगर सेवक है, तो क्या आप बात बोलने के लिए उनको किसी की परमिशन की जरूरत है? नहीं, आज अगर हक बात बोलने वाला अगर नगर सेवक होता तो आज आपके सामने है कि एक एमआईएम के गुंजन जो है जाके, वो भी एक ईमान वाले थे, वो भी एक मुसलमान थे, और जाके अपने ईमान को बेच दिया, तो आप हक वाली अगर बात करें तो हक वाले मुसलमान बचेगा? ठीक है, जो हक परस्त नहीं है वो तो मैं तो उनको यही कहूंगा, वो तो राजनीति में रहने की कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर वो राजनीति को अपना धंधा या पेशा बनाकर आए हुए हैं तो उनके लिए तो यहाँ सुनहरे खौफ होने के मौके भी हैं और उसके फायदा उठाने का मौका भी है, लेकिन अगर वो जनता की सेवा करने के लिए अगर कोई आए तो हक बयानी रखने की ताकत होनी चाहिए, हक बात बोलने की ताकत होनी चाहिए, तब वो राजनीति में आए। और अगर एमआईएम को खुद समझदार होना चाहिए तो वो ऐसे कैंडिडेट को चुन के ला दें जो मैदान छोड़ के भाग जाए, इतने तो कैंडिडेट थे, उसमें किसी ऐसे को आजमा कर देना चाहिए था। लेकिन अब वो उनका पर्सनल मामला में इशू में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि एमआईएम ने किसको टिकट दिया किसको नहीं, मेरी पार्टी का मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग उमरा कौसा में अब तक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, ताकत की बात कर रहे हैं, तो अपनी बात को जनता के सामने रख क्यों नहीं पाए? अगर रख नहीं पाए, अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, ये उनकी कमी। अयस भाई, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप इतने होनहार और इतने टैलेंट वाले और इतना मेहनत करने वाले इंसान हो, और शुक्र है कि कम से कम कोई तो मुमरा कौसा के अंदर मुसलमान इस तरीके से है जो बेबाक बोल सकता है, आप क्यों नहीं ये आजमाते हो और आप क्यों नहीं खड़े होते, ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेना चाहते? अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि वक्त अभी हमने फिलहाल अपना केंद्र जो रखा है वो गणेश नाइक साहब को रखा है। गणेश नाइक साहब जीत कर आते हैं, वो मंत्री बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी वजूद बढ़ता है, हमारी ताकत भी बढ़ती है, हम उमरा कौसा के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा टारगेट कुछ बनना नहीं,
अगर बनना होता है तो हम बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर हम मैनिपुलेशन करके कुछ भी गलतियां करके कुछ गलत तरीके से बेवकूफ बनाकर जनता को ठग कर बहुत कुछ बन सकते थे, नहीं हमें करना भी नहीं। तो इज्जत मंत्र छाओ वही जिंदो मंत्र छाओ, हम उनको इज्जत और जिंदत को देने वाले के लिए अल्लाह है, हमको इज्जत आज नजर कर सकते बच्चों बच्चों से है बुजुर्गों से है, इसलिए है कि सबको बता कि अयाज हसन गाँव में। चलो एक बड़ी अच्छी बात है कि अयाज भाई से एक बात करके बहुत अच्छा लगा और दिल को सुकून मिला कहीं ना कहीं कि चलो भाई मुसलमान एक है कोई ना कोई ईमान वाला मुमरा कौसा के अंदर, और इंशाल्लाह इस चीज को हम आगे भी दिखाएंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा।